जय श्री राम। जैसे कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में राम राज्य का निर्माण होने को जा रहा है, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सदियों से चलता आया राम मंदिर का मुद्दा हल करते हुए उस पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा है। उसी समारोह पे आज पूरे भारतवर्ष में और उसी के चलते हमारे हटली मोड़ चौराहे में चारों दिशाओं में भगवान राम का द्वार बनाए गए हैं, उनके मंदिर बनाए गए हैं और चारों दिशाओं में हमने लंगर और प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा है और नगाड़ों से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए हम उत्साह से नगाड़ों से आज नाच झूम कर इस समारोह का स्वागत कर रहे हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज हम यही कहते हैं, श्री राम जी हमेशा मर्यादा में रहे। उन्होंने पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने ये बात कही, हम पहल कभी नहीं करेंगे, वही आज तक भारतवर्ष करता आया है। आज तक उन्होंने युद्ध में हमारे भारत ने कभी भी पहल नहीं की और जिसने भी इसके साथ लड़ने की कोशिश की उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। जय। आज जो राम मंदिर निर्माण का जो द्वार खुलने जा रहे हैं, हम यही कामना करते हैं कि भगवान श्री राम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, मैं अपनी मराठी मोर्चा की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भेंट करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश में खुशहाली हो। और एक बार फिर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने के रामदूत बन के हनुमान जी का काम किया है, एक बार फिर वो भारत की बागडोर संभालें ताकि भारतवर्ष जो है वो यूं ही फलता फूलता रहे। आज वो खुशी का दिन है कि जो पहला अयोध्या में जो एक मुगल राज के बाद जो झंडा लहराया था, वो जो हमारे वीर शूरवीर जो निहंग फौज थी, 96 करोड़ी निहंग फौज ने वो एक झंडे का प्रकरण शुरू किया था। और हमारी जितनी भी सिख शक्ति है, जितनी भी हिंदू सिख एकता है, उसको हम यही कहना चाहते हैं कि आज का जो खुशी का दिन मनाया है, ऐसे ही भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता रहे और एकता के साथ भारतवर्ष आगे बढ़े। थैंक यू। आज ये पावन अवसर पर हम लोगों को बहुत संघर्षों के बाद मिला है, इसका इंतजार हमें बहुत दिनों से था। तो इस अवसर पर हम सब समस्त देशवासियों को हर काम भुलाकर, हर अपना भेदभाव भुलाकर एक होकर सनातन के प्रति सद्भाव रखें और अपनी जो संस्कृति है उसको जागृत रखें। हमेशा भगवान के प्रति ही हम लोग समर्पित रहें, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसे थे, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने सदैव जो है बुराई पर अच्छाई का कार्य किया। और उनके जीवन से हमें यही सूचना मिलती है, यही आवास होता है कि हम जो है आगे भविष्य में उनके पथ प्रदर्शक बने, उनके किए हुए कृत्यों को के चलें। जो भी रामायण जो भी लिखा गया है, भगवान मर्यादित थे, तो हम लोगों को सारे क्रम भुला करके उनके जो द्वारा कृत्य किए गए हैं उनके अपने जीवन में उतारें और समस्त एकजुट होकर रहें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासियों की यही आशा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।